हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं बोट एयरड्रॉप 381 यूज कर रहा हूँ अपना MI नोट 7 प्रो मोबाइल पे। तो इसमें मैं पहले इसको यूज कर रहा था, ये काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैं अपना मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट किया। फिर उसके बाद एक इशू आने लगा कि बोट का जो ये ब्लूटूथ डिवाइस है, तो ये क्या होता है ना, मैं जब भी कॉल करता हूँ किसी को तो मुझे सुनाई देता है, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियो या कुछ दूसरे वीडियो देखता हूँ तो वो मुझे मतलब वो इशू दे रहा है। मतलब उस टाइम पे वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उस चीज। मैं बोट का ये भी यूज कर रहा था ओवर द ईयर का, तो इसमें कुछ इशू नहीं है, ये मस्त काम कर रहा है। और ये भी ईयरफोन में यूज करता हूँ, ये भी बोट का है, तो इसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है इसमें और वो इशू को मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली मैंने एक चीज ट्राई किया, वो फिक्स हुआ उसमें, तो मैं आज शेयर करूंगा आप लोग के साथ। मैं अभी दिखाऊंगा कि इशू कैसे कैसे फिक्स करेंगे उसको। उससे पहले मैं आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ये अभी आपको जो दिख रहा है ये इशू, मतलब करंट डिवाइस सपोर्ट AAC कोडेक, हाउएवर AAC में फेल टू प्ले साउंड ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इशू। ये इशू जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ फिर उसके बाद ये इशू आता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सेटिंग में जाओ, फिर सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप इसको उसमें AAC करके एक ऑप्शन है ब्लूटूथ के अंदर आप जाएंगे तो उसको आप उस कोडेक को आप एनेबल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये इशू फिक्स नहीं होता क्योंकि AAC बहुत सारे मोबाइल पे सपोर्ट नहीं करता। मुझे सिर्फ आईफोन में शायद अभी तक सपोर्ट करता है, पता नहीं दूसरे किसी मोबाइल में सपोर्ट करता होगा, लेकिन MI का ये जो नोट 7 प्रो इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है। तो उसको सपोर्ट मतलब कैसे करेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये इशू जब आया मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये अभी तो मेरा फिक्स हो गया, तो ये अभी नहीं आ रहा है जब कनेक्ट करता हूँ मैं। तो इशू को फिक्स करने के लिए मैं अभी अपना सेटिंग में जाऊंगा, उसके बाद ब्लूटूथ। तो आप देख सकते हैं कि एयरड्रॉप्स 381 मेरा पेयर है इसमें, मैं यूज कर रहा था इसको, तो इसको जाके मैं चेक करूंगा। किसी जो भी आपका ब्लूटूथ का डिवाइस होगा अगर वो पेयर्ड है तो उसको आप चेक करेंगे। जैसे कि आप देखिए फोन कॉल्स यहाँ पे चेक है, मीडिया ऑडियो कॉन्टैक्ट शेयरिंग ये दोनों अनचेक है। मैं जैसे बता रहा था कि मेरा सिर्फ फोन कॉल हो रहा था, मीडिया ऑडियो और कॉन्टैक्ट शेयरिंग ये दोनों, मतलब मीडिया ऑडियो में मैं कुछ भी वीडियो में मेरा जो वॉइस है वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका अनचेक है तो आप इसको चेक करना पड़ेगा आपको, तब आपका इशू फिक्स हो सकता है। अगर आपको जो इशू मैंने जो दिखाया था आपको AAC कोडेक का जो इशू था वो इशू है, तो उसके शायद ये करने से इशू सिर्फ फिक्स नहीं होगा आपका। मेरा ये पहले से चेक था, अनचेक नहीं था, मैं बस आपको दिखा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा है ये अनचेक है तो इसको चेक कीजिए। फिर ये करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप AAC करके एक ऑप्शन है, इसको कुछ मत करना क्योंकि AAC इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जैसे ही यहाँ पे अनचेक है ऐसे अनचेक ही इसको रहने दीजिए। अगर ये जो अनचेक करने के बाद जो भी अनचेक था उसको चेक करने के बाद अगर आपका इशू फिक्स नहीं हो रहा है, नो नीड टू वरी, देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो। इफ यू कैन सी हियर ब्लूटूथ, उसके नीचे आपको एकदम उसके नीचे देयर इज अनदर ऑप्शन कनेक्शन एंड शेयरिंग, उसको क्लिक कीजिए और एकदम नीचे आपको आना है। यहाँ पे है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, गो इनसाइड, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम नीचे रीसेट सेटिंग्स करके। तो ये जो रीसेट सेटिंग है इसको आपको क्लिक करना है, तो आपका जो भी नेटवर्क का वाईफाई का ब्लूटूथ का जो भी सेटिंग है पहले जो था वो रिसेट हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ इशू रहता है कभी कभी, जब आप जैसे मैंने बताया मेरा जब मैं ये वर्जन अपडेट किया एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट किया उसके बाद कुछ इशू ये आने लगा मुझे, तो कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये रिसेट करने के बाद मेरा तो फिक्स हो गया, आप इसको करके एक बार जरूर देखिए। लेकिन उसके बाद और एक काम करना पड़ेगा, इसको रिसेट करने के बाद आपको आना पड़ेगा ब्लूटूथ में। यहाँ पे जो जो भी आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस है, जो भी कनेक्ट आप जितने भी सारे दिखा रहा है, मेरा सिर्फ एक पेयर्ड है अभी और बाकी जो अवेलेबल डिवाइस है उसको छोड़ दीजिए। जो भी पेयर्ड है उसको आपको अनपेयर करना पड़ेगा। अनपेयर करने के लिए यहाँ पे अनपेयर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अनपेयर करेंगे इसको। रिसेट सेटिंग आपको करने के बाद आपको आपका जो हैंडसेट है मोबाइल है उसको आपको स्विच अप करना पड़ेगा। स्विच अप करने के बाद फिर आप 5-10 मिनट वेट कीजिए, फिर उसके बाद स्विच ऑन कीजिए मोबाइल। आपका स्विच अप करने के बाद आप इसको जो भी आप ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ बोट एयरड्रॉप्स 381, तो उसको रिसेट करना पड़ता है। रिसेट जब करेंगे इसमें 5-7 सेकंड तक आप पकड़ के रखेंगे तो एक छोटा सा ब्लिंक साउंड होगा, फिर उसके बाद मतलब वो रिसेट हो गया उसका मतलब। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, दोनों खोल के दोनों हाथ में दोनों कैसे पकड़ के रखूँगा,
ये रिसेट हो गया अभी, फिर उसके बाद मैं मोबाइल जो स्विच अप किया था उसको स्विच ऑन करूंगा, मेरा काम अभी हो जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस आपका रिसेट होने के बाद आपका मोबाइल को आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करने के बाद इसको पेयर कीजिए, पेयर करने के बाद फिर आपको कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका जरूर साउंड आएगा, ये इशू जरूर फिक्स होगा आपका। अगर आपका इशू फिक्स हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, किसी को हेल्प हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।